हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यार इन दी कार। और आज आपको एक ऐसी खबर जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे इस चैनल के माध्यम से, और बात है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। जी हाँ, हाल में ही मिंट न्यूज़पेपर जो है, मैं उसका कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा, उन्होंने ये मेंशन किया कि ओला इलेक्ट्रिक की हालत बहुत ही ख़राब है और महीने में 80,000 स्कूटर पहुंच रहे हैं सर्विस सेंटर और इनकी बिक्री बहुत घट गई है। अब ये जब न्यूज़ मैंने आज सुबह पढ़ी तो मुझे भी सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि 80,000 एक बहुत बड़ा फिगर है, और अगर इतने स्कूटर इनके सर्विस स्टेशन में पहुंच रहे हैं तो विच मीन्स कोई मेजर प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र हैं, इनके पास दो दो ओला के स्कूटर हैं, एक ओला S1 एक S1 प्रो। तो मैंने उनसे भी जिक्र किया और उनसे भी पूछा कि क्या आपको भी ये परेशानी आ रही है। तो उनका जवाब थोड़ा अलग था, न्यूज़ से अलग, तो वही शेयर करेंगे। पहले पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब मिंट वालों ने बोला कि लगभग 80,000 के पार हो चुका है वो आंकड़ा, जो हर महीने इतने स्कूटर्स उनके पास खराब हालत में आ रहे हैं और उनको ठीक करवाने के लिए बोला जा रहा है। कई सर्विस स्टेशन में तो दिन में 6-7 हज़ार स्कूटर रिपेयर हो रहे हैं, ये भी उनका कहना है। तो इसलिए ओला ने एक नई टीम बनाई है जो कि सर्विस की निगरानी करेगी, और अगस्त में टोटल 27,506 ओला स्कूटर्स की बिक्री हुई है, और जुलाई जो कि जुलाई की सेल से 34% कम है। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, अगर फिगर्स ये उन्होंने मेंशन किए हैं, आई होप वो करेक्ट हो। तो कह रहे हैं कि ईवी स्कूटर के मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 39% है, जो कि अब गिरकर 31% रह गई है, और कंपनी ने आज तक लगभग 6,80,000 स्कूटर बेच दिए हैं, और जिस हिसाब से तो 12% तो सर्विस सेंटर पर ही खड़े हैं अगर 80,000 खराब हैं तो, है ना। तो आंकड़ा ये कहता है कि इस हिसाब से 12% सर्विस सेंटर में खड़े हैं। जब ओला वालों से पूछा गया कि स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं, तो ओला यूजर्स ने मिंट अखबार को कहा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है और हम सर्विस स्टेशन में अगर देने जाते हैं स्कूटर को, तो लगभग हमें एक एक महीना भी लग जाता है वो स्पेयर पार्ट आने में और रिप्लेस करने में। और एक यूट्यूबर ने भी वीडियो डाला था हाल फिलहाल में, जिन्होंने कहा कि बैटरी डेड हो जाती है अचानक ही चलते चलते। अब मुझे लगता है चलते चलते बैटरी कैसे डेड होगी, अगर आप चार्ज ही नहीं करेंगे तो डेड ही हो जाएगी ना। अच्छा, कहते बीच रास्ते में क्रैश हो जाती है, रियर व्हील ब्लॉक हो जाता है, ऐसी दिक्कतें उनको आई, मानते हैं चलिए उनको आई होंगी, हो सकता है। बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि मैंने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक किया, करना जरूरी भी समझा, क्योंकि आपके तक वीडियो अगर लेकर आनी है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने बहुत जरूरी हैं, जो कि मैंने फेसबुक पे स्पेसिफिकली एक पोस्ट डाला हुआ था उसके ऊपर डाला, तो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। किसी ने डाला था कि ओला की हालत बहुत खराब है और इस रीजन से लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे एक अजीज मित्र हैं जो ओला S1 और S1 प्रो दोनों ही उनके पास हैं, वो एक इलेक्ट्रिक कार भी यूज करते हैं, टाटा की टियागो। मेरे चैनल पे उनकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप सर्च कर सकते हैं, आई बटन में भी डाल दूंगा। तो उनसे जब पूछा कि क्या ये फैक्ट सही है, क्योंकि वो 2 साल हो गए उनको लगभग ओला के साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने ये तथ्य सामने रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मिंट वाले बोल रहे हैं कि 80,000 पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखोगे सारा फिगर लगा दोगे कि भाई 80,000 तो इतनी आबादी है, सेल्स फिगर मैंने आपको बता दिया, शायद उसमें 80,000 हो, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर हैं भी तो फिगर्स कहीं ना कहीं ऐसी लग रही हैं दिखाई हुई कि ओला की छवि को खराब करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ओला वालों ने एक इवेंट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स तक लॉन्च किए, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर हैं, 1 लाख के अंदर
इनका रोडस्टर, फिर रोडस्टर प्रो और एक और तीन मॉडल निकाले हैं। तो जो सबसे पहला वाला मॉडल है वो 1 लाख के अंदर अंदर है। तो आप देखिए, भारतीय कंपनी है, भारत में ही इसके सारे पार्ट्स बन रहे हैं, भारत में ही पूरा पूरी स्कूटी तैयार हो रही है और भारतीयों को प्रदान की जा रही है ताकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक्सपीरियंस कर सकें और इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंजॉय कर सकें और जो आइस इंजन है यानी कि पेट्रोल इंजन उससे हटें और टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है उस पर आप इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाएं। एक किस्सा और बता देता हूँ, जो मेरी बात हुई शिव कुमार दीक्षित से जो ओला S1 और S1 प्रो के ओनर हैं, उन्होंने कहा कि एक बार मेरी खुद की गलती से मेरा जो ओला का S1 का जो स्टैंड है वो टूट गया था और उसको चेंज करवाने गए हाथों हाथ, वो चेंज हो गया और पैसे कितने लगे? मात्र 400 रुपये लगे और वो भी हाथों हाथ। तो जो न्यूज़ कह रही है कि एक एक हफ्ता तक सर्विस स्टेशन पे खड़े रहते हैं स्कूटर, कुछ हजम नहीं हुई। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि और फैक्ट्स निकाल कर लाऊँ और ये जो खबर है जो इन्होंने डाली है मिंट वालों ने कि इतने स्कूटर ख़राब हो गए, इतने स्कूटर खराब सर्विस स्टेशन पे पड़े हुए हैं, थोड़ा गूढ़ अध्ययन करेंगे, देखेंगे और आप तक सच्ची खबर लेकर आएंगे। तब तक देखते रहें चैनल यार इन द कार, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें एंड ड्राइव सेफ़।